हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो सिल्वर जो है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 66,992 पे बंद हुए, लगभग 67,000 के अराउंड, लगभग 227 रुपीज़ गेन के साथ। तो यहाँ मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है तो नेगेटिव दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। यहाँ हम 1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं 500 रुपये लॉस के साथ। लास्ट मंथ हमने लगभग 2.5% का गेन देखा था, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, मगर फाइनली हम क्लोजिंग जो है तो गेन के साथ हुई थी लगभग 1600 रुपये। उससे पहले लगभग 5000 रुपये की रैली देखी थी हमने गोल्ड प्राइसेस में। तो यहाँ गोल्ड जो है थोड़ा साइडवेज, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। यहाँ स्टांस बुलिश ही है मंथली चार्ट पे। जब तक गोल्ड जो है तो लगभग 65,000 के ऊपर है, तब तक आपको लॉन्ग व्यू ही रखना चाहिए सिल्वर पे। और यहाँ जो टारगेट बनेंगे वो 71,000, 75,000 और 81,000 के सिल्वर के लिए बनेंगे। तो जब तक 65 के ऊपर है तब तक आपको जो है तो 71, 74 और 81 के टारगेट जो है तो सिल्वर में रखने चाहिए, मगर उसके लिए 65,000 का लेवल उसने होल्ड करना चाहिए। यह मंथली चार्ट पे अभी जो है तो कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, और कंसोलिडेशन फेज है, मगर यहाँ स्टांस आपको बुलिश ही रहना चाहिए और नीचे सपोर्ट के अराउंड आपको बाइंग ही करनी चाहिए सिल्वर में, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने जो है तो एक अच्छी खासी नीचे के ओवरसोल्ड रीजन से शुरुआत की थी, लगभग 72,000-73,000 के लेवल देखे, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन आया है। अभी यहाँ जो है तो सिल्वर ने फिर से सपोर्ट ले रहा है अराउंड पिवट पॉइंट। तो यहाँ नीचे 64,500 और 65,000 के अच्छी खासी सपोर्ट है। इन लेवल पे सिल्वर मिलता है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना चाहिए। आपका जो मीडियम टर्म टारगेट रहेगा वो फिर से रहेंगे 71,000 और उसके बाद में 75,000 के। तो आपका जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म आपको बाइंग करनी है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए सिल्वर 65,000 से लेकर 64,500 के बीच में, और ये भी आपको स्टॉप लॉस के साथ करना है। आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 71,000 उसके बाद में 75,000। तो ये मीडियम टर्म, ये कुछ हफ्तों से लेकर महीनों का व्यू है। तो यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ जो है तो एक अर्ली रिवर्सल साइन भी दिख रहा है। तो यहाँ बुलिश व्यू रखना चाहिए सिल्वर का वीकली चार्ट, एज पर वीकली चार्ट, और हमारे टारगेट रहेंगे 71,000 और 75,000 के। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो हमने शुरुआत जो है तो करेक्शन के बाद में एक सपोर्ट के अराउंड की है, और यहाँ जो है तो 50 डेज का जो एवरेज है उसके ऊपर अभी सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तो एक बुलिश प्राइस पैटर्न बन रहा है। यहाँ आपको सिल्वर पे जो है तो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग व्यू रखना चाहिए। सिल्वर हम बाय करेंगे 66,400 के अराउंड। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 65,600 के नीचे। तो लगभग आपका स्टॉप लॉस रहेगा 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जो टारगेट बनता है वो बनेगा आपका 69,000 का। तो आपको अगर 66,400 के अराउंड अगर सिल्वर मिलता है तो आपको एक 800 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना चाहिए सिल्वर में, और टारगेट रहेगा हमारा इस महीने के लिए 69,000 का। तो 69,000 अगर देखते हो आप तो 66,400 के लेवल से वो आता है लगभग 2600 रुपये। तो 2600 रुपये मतलब आपको जो है तो 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है अच्छा खासा, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि 800 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो आपको यहाँ सिल्वर पे हम लॉन्ग व्यू रखेंगे, बाय ऑन डिप्स रहेगा। मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो 66,400 का है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 65,600 के नीचे, और टारगेट रहेंगे हमारे 68,600 और 69,000 के। तो ये मल्टीपल टारगेट है, ऊपर मेजर टारगेट जो है तो 69 के अराउंड है। तो उस टारगेट के लिए आपको लॉन्ग रखना चाहिए सिल्वर पे। अगर हम 69 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें फिर से जो है तो 71 और जो है तो 73 के टारगेट सिल्वर दिखा सकता है। तो यहाँ हमारा बुलिश व्यू रहेगा, बाय ऑन डिप्स रखना है व्यू सिल्वर पे। आपको बाय करना है 66,400 के अराउंड, स्टॉप लॉस 65,800 के नीचे, टारगेट 68,050, 68,000,
600 और उसके बाद में 69,000 के टारगेट हमें सिल्वर पे शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। मगर आपको यहाँ स्टॉप लॉस स्टिक रखना है या वोलेटिलिटी एट द पीक रहेगी, क्योंकि यहाँ न्यूज़ फ्लो के वजह से मार्केट में आपको जो है तो बहुत ही ज़्यादा उठा पटक देखने को मिल सकती है, तो स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो ये ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए। ये अभी यहाँ से आपको जो है तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि पोजीशन आपके अगेंस्ट जाए और आपका पूरा अकाउंट ही ब्लोअप हो जाए। तो अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो तो ये जो ट्रेड है ये आपके किसी काम का नहीं है। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ मेरे जो श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल्स है उन्हें फॉलो करना चाहते हो या फिर मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.